देखो पाकिस्तानियों फैसला की होता है, लेकिन एक दो दिन तक पता चल जाना है कि हुकूमत की नहीं बनती भी। लेकिन इमरान खान हुकूमत बनावे तो बना सकता है वो पार्टी, क्योंकि सब तो सीटा उन्हों की ज़्यादा देखो। लेकिन इन्हें बना नहीं देनी, नून लीग पीपल पार्टी इन्हें सारे ने रल के बना लानी, तो महंगाई फिर अगे नाल डबल हो जानी। जिमें अगे 6 महीने महंगाई डबल हो गई सी ना, जो 3-4 पार्टियां इकट्ठिया रल जाए ना महंगाई डबल हो जाती। फिर 3-4 पार्टियां खाने वाली होंगे, सारे ने खाने रल मिल के। पहले तो उन्हें इलेक्शन का जो खर्चा किया पूरा करना है, आवाम के पैसों तो पूरा करना है, टैक्स तो पूरा करना है। उस तो बाद फिर आवाम का सोचना है, और आवाम का कुछ कुछ भी नहीं सोचा जाना। क्योंकि पार्टी जो एक होंगी ना, उन्हें एक ने खाना होंगे, जो 4-5 रल जाना तो 5 ने खाना, तो आवाम को की मिलना है। इदा आवाम का नुकसान होंगे, आवाम का पैसा टैक्स जाया जाना है। क्योंकि जहरी गल है, पीटीआई ने तो खर्चा नहीं किया, उन्हें तो कोई नहीं खर्चा किया, उन्हें तो फ्री इलेक्शन मिले, आवाम ने जिताया। नून लीग ने खर्चा किया, पीपल पार्टी ने खर्चा किया जलसिया से, और वोटर जोड़े वोट लाए और जड़े सीटा लै रहे हैं आज़ाद को, तो उन्होंने तो पैसे अपने पहले पूरे करने, तो बाद आवाम का कोई सोचना है। लेकिन आवाम का कुछ नहीं बनना, हुकूमत उन्होंने बन गई तो ये 5 साल इदा ही रह जाने, 5 साल इदा ही गुलामी तो गुजर जाने। क्योंकि वोटर जो पाकिस्तान की आवाम है, उन्होंने महंगाई डबल हो जानी, क्योंकि एक पार्टी हो नून लीग होती, एक पार्टी बनाती हुकूमत, फिर महंगाई कम होनी सी। जो पार्टियां 4-5 रल जानियां तो फिर हुकूमत, तो फिर की महंगाई कम होनी, महंगाई कम नहीं होनी, फिर वधनी हैगी।